आज के वर्ल्ड में बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें हैं तीन, फूड, हेल्थ, शेल्टर। और इसमें अब डिजिटल वर्ल्ड में और एक चीज़ ऐड होती है, वो आती है इंटरनेट। तो आपको बेसिक क्वेश्चंस आते होंगे कि हमें जो इंटरनेट मिलता है वो कैसे मिलता है, या इंटरनेट सर्विसेज हम तक कैसे पहुँचती है, और जो इंडिया कनेक्टेड है ग्लोबल वर्ल्ड वाइड दूसरे कंट्रीज के साथ वो कैसे कनेक्टेड है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस के आंसर दूंगा मैं इस वीडियो में। तो सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर है सबमरीन केबल। आप कहोगे ये सबमरीन केबल्स क्या होते हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। सबमरीन केबल्स से आपके मोबाइल से जो टावर तक नेटवर्क जाता है वो आगे सबमरीन केबल्स के थ्रू एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रांसफर होता है। अभी सपोज गूगल को ही ले लीजिए। गूगल का मेन सेंटर यूएसए में अमेरिका में है। तो जो हम सर्विस यूज़ करते हैं गूगल की, वो पहले हमारे आईपीएस मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो कि अलग अलग है उन तक जाता है, फिर वहाँ से। अब आप ये वीडियो को अच्छे से समझने के लिए आपको मैं बताऊँगा बेसिक इंटरनेट कनेक्टिविटी कैसे होती है। पहले यूज़र अपना डेटा एक्सेस करता है, फिर वो टावर तक जाता है। टावर से T1 कंपनी, T2 कंपनी, और अगर हम मीन्स किसी फॉरेन कंट्री की कोई वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं या कुछ सर्विस यूज़ कर रहे हैं तो सबमरीन केबल के थ्रू पास होता है। और आपको एक मैं फैक्ट बता दूं कि अप्रोक्स सबमरीन केबल की लाइफ लाइन होती है 25 ईयर्स। अब आप सोचोगे ये सबमरीन केबल्स कब से स्टार्ट हुई है, कैसे स्टार्ट हुई है? तो मैं आपको आप लोगों को लगेगा कि ये सबमरीन केबल का कंसेप्ट अभी न्यू आया है, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि सबमरीन केबल्स बहुत पुराने टाइम से आ रहे हैं। और वो सबसे पहले जो सबमरीन केबल थी वो 1854 में इस्टेब्लिश हुई थी, कनेक्टिंग न्यू फाउंडलैंड विथ आयरलैंड। और नासा को सबसे फास्टेस्ट स्पीड मिलती है ऐसा क्लेम किया है बहुत से वेबसाइट्स और गूगल सर्चेस ने, दैट इज़ 91 GBPS, जो कि 91 GB/s ऐसा कहा जाता है। और आपको एक फैक्ट पता नहीं होगा शायद, जो सबमरीन केबल्स मीन्स जो केबल्स के थ्रू डेटा ट्रांसफ़र होता है वो एज कम्पेयर टू सेटेलाइट फास्टर होता है और चीपर मीन्स सस्ता होता है। तो हमें हम लोगों को एक गलत फहमी थी कि वायरलेस डेटा बहुत स्पीड ट्रांसफ़र होता है, बट वायरलेस नहीं, विथ वायर डेटा बहुत स्पीड ट्रांसफ़र होता है। तो इंडिया में टोटल 5 सेंटर्स हैं, मीन्स 5 पॉइंट है जहाँ पे कि सबमरीन केबल्स दूसरे कंट्रीज से आके इंडिया से कनेक्ट होते हैं। एक्चुअली इंटरनेट फ्री है, वो किससे? मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। सपोज आपने आपके घर से लेके ऑफिस तक एक केबल की लाइन बिछा दी है और उससे आप डेटा ट्रांसफ़र करते हो तो वो ऑब्वियसली फ्री होगा, बट आपको केबल को पे तो करना पड़ेगा ना। मीन्स वो केबल को मेंटेन करना पड़ेगा, वो केबल को ऐड करने के लिए पैसे देना पड़ेगा। वैसे सेम टू सेम इंटरनेट ऑब्वियसली फ्री है, बट जो पैसे लगते हैं या फिर जो कंपनीज हमसे पैसे लेते हैं वो उसके मेंटेनेंस के लिए लेते हैं। तो आप सोचोगे, आपको ये भी एक डाउट आएगा कि रिलायंस जियो जो कि 4-5 साल पहले एक न्यू कंपनी आई है और उसने आके मार्केट में पूरे इंटरनेट सर्विसेज की प्राइस कम कर दी है, तो वो कैसे की? तो ऑब्वियसली रिलायंस जियो पहले 2-3 साल अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा था वो केबल्स पे। उसने पूरे इंडिया में भी केबल्स बिछाए हैं और समुद्र में भी बिछाए हैं। तो इन्वेस्टमेंट करके उसने अपने केबल्स ले लिए, और जैसे उसने खुद का इन्वेस्टमेंट किया तो अब वो सस्ते में हमें इंटरनेट सर्विसेज दे पा रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर केबल्स। जैसे जहाँ तक इंटरनेट कनेक्टिविटी कंसर्न है वहाँ तक फास्टेस्ट इंटरनेट सर्विसेज ऐसा क्लेम किया गया है कि साउथ कोरिया को मिलती है। और इंडिया में टोटल 5 सेंटर्स है जहाँ से सबमरीन केबल्स इंडिया में एंटर होती है। उसमें से 2 मेन है जो कि मुंबई और चेन्नई। ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्क ट्रैफिक वहाँ से रिलीज़ किया जाता है। और नीचे की साइड 3 है, मीन्स सदर्न साइड देर आर 3 केबल्स। सबमरीन केबल मैप की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ पे जाके आप मैप्स देख सकते हो। जो वायरलेस डेटा ट्रांसफ़र होता है वो बिना वायर के होता है, तो उसमें बहुत से बैरियर्स आते हैं फिजिकल मान लो। और जो बिना वायर के होता है वो फास्ट क्यों होता है? क्योंकि वो वायर से जाता है और उसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, मीन्स वो एम्प्टी वैक्यूम से बहुत ही स्पीड ट्रांसफ़र होता है। और आपके जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि जो सैटेलाइट से भी डेटा कुछ कंट्रीज में ट्रांसफ़र होता है या बहुत से सर्वर्स पे ट्रांसफ़र होता है वो स्लोअर होता है और मीन्स एक्सपेंसिव होता है एज़ कम्पेयर टू वायर से जो डेटा ट्रांसफ़र होता है।
जैसे आपने सुना है कि सबमरीन केबल्स समुद्र के अंदर बिछाए हुए होते हैं, तो आपको ये भी डाउट आएगा कि 25 साल बाद जब वो खराब हो जाती है तो उसको रिपेयर या मेंटेन उसको कैसे किया जाता है। तो आप जैसे कि फोटो में देख पा रहे हैं, वो सबमरीन केबल को शिप के मदद से उसको ऊपर लेते हैं, मीन्स ओवर द सरफेस ऑफ ओशन, और फिर उसको जो रिपेयरिंग करना है वो कर देते हैं। या फिर आप जैसे कि सेकेंड फोटो में देख सकते हैं, स्कूबा डाइव के मदद से कुछ अगर छोटा मोटा रिपेयर होगा तो 1-2 पर्सन को, इंजीनियर्स को अंदर भेज के वो ठीक किया जा सकता है। सो गाइज, ये थी इन्फॉर्मेशन Tier 1 कंपनी के बारे में। हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा, इसका Part 2, उसमें हम देंगे Tier 2 एंड Tier 3 कंपनीज के बारे में इन्फॉर्मेशन। वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे दिए गए रेड बटन को दबा के बेल आइकन पे क्लिक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें।